चार दिवसीय छठ महापर्व को पूरे बिहार में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसको लेकर जेल के अंदर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नहाए खाए के साथ छठ महापर्व शुरू होता है। 18 नवंबर को खरना का प्रसाद जेल में बंद महिलाओं के द्वारा बनाया जा रहा है। बिहार के नवादा मंडल कारा के अंदर महिला वार्ड में छठी मैया का गीत गूंज रहा है। महिला बंदी छठ व्रत कर रही हैं। जेल के अंदर महिला बंदी ही नहीं बल्कि पुरुष बंदी भी आस्था के इस महापर्व में उत्साहित हैं। जेल के अंदर 18 नवंबर को महिला बंदी छठ व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू कर दिया और छठ व्रत के प्रति लोगों में जो आस्था है वो जेल के अंदर भी देखने को मिल रही है। जेल में बंद महिला व्रती को जेल प्रशासन सहित जेल में बंद सभी कैदियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जेल के अंदर महिला वार्ड में बंद 3 विचाराधीन महिला कैदी पूरी आस्था के साथ छठ व्रत कर रही हैं। अलग अलग मामलों में भले ही इन महिलाओं को जेल में रहना पड़ रहा है लेकिन धर्म और आस्था के प्रति उनकी निष्ठा इतना अटूट है कि जेल में भी भगवान सूर्य की आराधना के लिए छठ पूजा कर रही हैं। वहीं जेल के अंदर बनी तालाब को कैदियों ने मिलकर साफ किया और जेल प्रशासन की ओर से साड़ी से लेकर अन्य पूजन सामग्री की समुचित व्यवस्था भी की गई है। यहाँ मैं जेल में 3 साल से हूँ। 3 साल से मैं यहाँ छठ कर रही हूँ। यहाँ जो भी कारा प्रशासन की तरफ से छठ की सारी सुविधा है जो हम लोगों को दिलाया जाता है, आप लोग भी जो भी बढ़ती हैं हम लोग कर रहे हैं वो उनको हर चीज़ ला करके यहाँ से 4 दिन का अनुष्ठान होता है जो हर नियम हर तरीका से हम लोग को पूरा किया जाता है। इसके लिए यहाँ के जेलर सुपरिटेंडेंट सर को सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ और छठ पूजा के हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं 2 साल से जेल में रह रही हूँ। अगला साल भी छठ पूजा किए थे। एन साल भी मैं छठ पूजा कर रही थी। यहाँ पे सभी सुविधा मिले हैं।